Karan, एक फोटो लेता हूँ. Karan, look at photo, photo. मैम आप भी उधर जाइए, चार लोग दिखेंगे. सर बीच में आइए, सर बीच में आइए, पीछा बचल पीछा जो बचल पीछे पीछे लो. हाँ पीछे. फोटो के लिए सर, एक फोटो के लिए सर, एक फोटो के लिए, एक फोटो के लिए सर. अच्छा पीछे आ, बचाओ पीछे आ जाओ. Well, I think it's a great initiative.
रोजमर्रा की जिंदगी, हम लोग अपनी चीज़ों में लगे रहते हैं, बट नोबडी हैज टाइम टू डू थिंग्स फॉर अदर्स. तो ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, और जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू इनिशियली कि आप जो कर रहे हैं, हम लोग अपने तरीके से कुछ कुछ कर पाते हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं बहुत कुछ कर रहे हैं. आप अपने यहाँ शुरुआत करते हैं. दादा पुढे दादा इज इज अ टेस्ट प्रोसेस.
लेकिन हर एक चीज के पीछे कितनी वो कहानी है हिस्ट्री होती है जो पता ही नहीं होती है जी जी हम लोग को तो पता है एक्चुअली मेरे जैसे तो बहुत सारे टीम जाते हैं जो कि लेवल के लोग हैं सोच रहा हूं कि ये टीम में सब आर्टिस्ट को आइडेंटिटी के गांव से लेके आए अच्छा तो उनसे इंट्रोड्यूस कराया वेरी नाइस इज लिविंग दैट लाइफ एंड सो वेरी गुड एक्चुअली सर ये इनको अभी तक तो स्टेज नहीं मिला दो तीन घंटे देखिए साचे होते होंगे आपके पास मट्टी का गोला कोई भी मोल्ड नहीं है सब आप हाथ से बना और इन्होंने मुझे भी सिखाया मैं इनके साथ एक दो कछुए बनाई हां मैं इनके घर पे इनके साथ खाना खाया इनकी बीवी अपने रूम में सब दिखाया वेरी नाइस बड़ा ये बना बहुत अच्छे हैं बहुत सुंदर है वेरी नाइस सो एक्सप्रेसिव है एवरीथिंग इज या ये सब आंख फीचर्स बिल्कुल ही अच्छे हैं मतलब ऑलमोस्ट रियल लग रहे हैं जो एक्चुअली रियल टांगते हैं घंटे में अरे यार बड़े फास्ट हो बिकॉज़ इवन हां well it's very nice to be here for Samta Foundation and Richa had called me you can come here Richa So it's I think a great platform जहाँ उन्होंने जो पालघर से आर्ट है जो क्राफ्ट्समैन है जो आर्टिस्ट है वो यहाँ पर लेकर आई हैं और वार्ली जैसी पेंटिंग्स है कोई पेपर मैच से कुछ बना रहे हैं कोई बैम्बू से कुछ बना रहे हैं एंड कुछ लकड़ी से कुछ बना रहे हैं सो इट्स आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म वेयर ऑल दीज पीपल हैव कम हियर और आई एम थैंकफुल दैट शी इज़ कॉल्ड मी हियर So it's very nice to be here to witness this. And Varli to hum log ko bahut hi pasand tha, but aaj thoda zyada in depth dekh rahe hain ki Varli art kya hai. Acha ye wali painting kitne ghante mein banti hai? Ye wali abhi main pooch hi raha tha, to ye silk pe bani hai. Kehte hain 2-3 din lagte hain. Maine kaha yaar 2-3 din to lag jate hain. Maine kaha lekin ye choti wali kehte hain 1 ghante mein bana lete hain. I said that's so nice. It's amazing ki 1 ghante mein aap ye itni si bhi painting intricate work ke sath bana lete ho. I think and they're just farmers. They're not ki they're doing this for their livelihood. So apart from that, they have this talent, which is amazing. So it's great to meet them personally today. And more people should come forward to support them. I think that will be very nice. And apart from that, Samta Foundation does a lot for people out there in Palghar, from physical aids, like cataract or malnutrition, or helping family plannings and stuff like that. So it's amazing. She's doing a great job. तो ये एक्चुअली ये वहाँ पे मेरा आर्ट शो भी है पालघर पर्सपेक्टिव्स मैंने पालघर के लेडीज़ और उनकी लाइफ से इंस्पायर होके मैंने पेंटिंग्स बनाई है और उसके ज़रिए से मैंने यहाँ के पालघर के ही कुछ आर्टिस्ट को बुला के उनका भी प्रदर्शित किया है वी आर ट्राइंग टू समता थ्रू समता फाउंडेशन वी आर सपोर्टिंग देम एज करण सेड कि बहुत सुंदर उन्होंने वार्ली आर्ट बनाई है वार्ली एक पालघर की ट्राइब है जो ये आर्ट करते हैं अपने घरों के दीवारों पर अपने ज़मीनों पर तो गोबर पोत के उस पर पेंट करते हैं राइस पाउडर से पेंट बनाते हैं नेचुरल चीज़ों से यहाँ पे उन्होंने कैनवस पे किया है पोस्टर पेंट यूज़ किया है और पूरी लाइफ उन्होंने एक छोटे से कैनवस पे दिखाई है उनकी जो डेली लाइफ है या फार्मिंग सीन है या कोई फेस्टिविटीज़ है वो सब वार्ली के थ्रू छोटी छोटी जो इंट्रिकेट डिज़ाइन है फिर हमारे यहाँ क्राफ्ट्समैन भी है जैसे उन्होंने मेंशन किया पेपर माशे से बनाया है बैम्बू से लकड़ियों से उन्होंने आर्टिफैक्ट्स बनाया है सो थ्रू दिस एग्जिबिशन पालघर पर्सपेक्टिव्स आई थिंक इट इज़ अ great way like mera ye first solo art show hai mujhe bachpan se painting ka shauk raha hai so I understand the importance of art in everyone's life so koi gana gaata hai koi kalakar hai hamare yahan bade koi tv actors hain actresses hain mera ichha thi ki main mera jo choti si kala hai main bhi karu dikhaun logon ko and ye jo artists aaye hain unki bhi log sab dekhe aur encourage kare unko thank you जी जी
देखिए बाकियों के लिए तो मैं कह नहीं सकता, बिकॉज हर एक का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है लाइफ का, एक टाइम होता है, कोई बिजी है, कोई क्या है. देखिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर कोई अपनी चीज़ों में बिज़ी होता ही है, चाहे वो काम करने में हो, चाहे मसरूफ़ हो, चाहे घर के कामों में हो, चाहे कैसे भी हो. बट हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए शायद आपको बाहर निकलना चाहिए, कभी सोचना चाहिए, कभी दूसरों के बारे में सोचना चाहिए. आई थिंक समवे यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी जहाँ आप लोग हैं भी. तो एक अलग अलग तरीके हैं ये सब चीज़ें करने के लिए. ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको आके वो दिखाने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हैं. ये नहीं है कि मैं आज ये कर रहा हूँ, मुझे करीबन 14 साल हो गए हैं. जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी कर रहे थे, चुपचाप भी कर रहे थे, करते रहते हैं. और मोस्टली ये ज़्यादातर जो इंस्पिरेशन आई है वो निशा से ही आई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज एनिमल एक्टिविस्ट से लेके पता नहीं क्या क्या वो करती थी. मतलब 14 साल पहले वो चलती गाड़ी से कूद जाती थी बाहर एक एनिमल को बचाने के लिए. आई बी लाइक ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या कर रही है लड़की. सो आई वुड बी शॉक्ड कि ऐसा भी कोई कर सकता है. सो एक थॉट पर्सपेक्टिव होता है, वो चेंज हुआ. संगत का असर भी होता है. कभी कुछ पिजन्स को हुआ, कभी कुछ एनिमल्स को हुआ. शील ऑलवेज उस गाड़ी में एक टोकरी हमेशा होती है सालों से. फिर ऐसा कुछ माहौल हो गया कि सेट पे जब मैं काम किया करता था रिश्ता के टाइम पे, मैंने कुत्तों को भी स्टरलाइज करवाया, मैंने कोई बिल्ली को रेस्क्यू किया, मैंने किसी सांप को आया तो मैंने उसको वाइल्ड लाइफ को बुलाया. तो ऐसा हो जाता है. सो आई ऑल्सो स्टार्टेड बिकमिंग लाइक दैट. एंड एक नेचुरल प्रोसेस होता है. एंड काफ़ी चीज़ ऐसे कि कहीं हेल्प किया, कभी कुछ है, कभी आपने यूनिसेफ, आपने वर्ल्ड विजन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम किया, पीटा के साथ काम किया. तो ये सब चीज़ें हमने करी हैं. सो वी हैव जस्ट बीन इन दैट स्पेस आई थिंक. एंड इवन टुडे, कल भी हम लोग कहीं गए हुए थे, आई वाज जस्ट टेलिंग हर टुडे आल्सो आई एम हियर फॉर हर. सो ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग आते रहते हैं, करते रहते हैं, जेन्युइनली करते हैं. सो इट्स नॉट फॉर एनीथिंग एल्स. कभी बीच क्लीन अप कर रहे हैं, कभी एनवायरमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं. सो देयर आर सो मेनी इश्यूज. चाहे आप एक चीज़ को पकड़ के भी कर लें, आई थिंक दैट विल मेक अ डिफरेंस. एंड पीपल इन आर पोजिशन हु कैन मेक अ डिफरेंस, आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में इन्फ्लुएंसेस जो कहलाते हैं, सो लेट्स यूज़ दैट पावर आई थिंक इन द राइट वे विल बी नाइस. इट्स लेट्स नॉट जस्ट कीप पोस्टिंग प्रोडक्ट्स, लेट्स जस्ट डू समथिंग ऑल्सो विच हेल्प्स पीपल अदर देन अस. सो इट विल बी नाइस. थैंक यू.